जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात करूंगा, वो हमारे नई पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। शुभ लाभ, इनका प्रयोग हम हर एक मांगलिक कार्य में करते हैं। हर एक घर में शुभ लाभ जरूर लिखा रहता है। आइए जानते हैं ये शुभ लाभ कौन है। एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी को और कार्तिकेय जी को पूरी पृथ्वी के 7 चक्र लगाने के लिए कहा था। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके माँ बाप के ही, माता पिता के ही 7 चक्कर लगाए और कहा, जो माता पिता के 7 चक्कर लगा लेता है वो पृथ्वी के भी 7 चक्कर लगा लेता है। क्योंकि इस जगत में माता पिता के से बड़ा कोई भी नहीं है। तो उस बात पर प्रसन्न होकर माता पार्वती और भगवान शंकर ने उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ में कर दिया। और रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनका नामकरण शुभ और लाभ किया गया। उनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो हम जितने भी मांगलिक कार्य करते हैं, सबसे पहले हम गणेश जी का स्मरण करते हैं और उनके साथ साथ हम उनके पूरे परिवार का भी स्मरण सबसे पहले करते हैं, चाहे वो रिद्धि सिद्धि जी हों, चाहे वो उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हों। तो शुभ और लाभ ये गणेश जी के 2 पुत्र हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिएगा और कमेंट भी बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।